जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की रिहाई को लेकर मौन प्रतिवाद किया। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष गरीब मजदूर और जरूरतमंद लोगों की सेवा के अपराध में लखनऊ जिला कारावास में 20 मई से निरुद्ध है। निर्मला पासवान ने कहा कि पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को इंसाफ जरूर मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, राकेश भाई आज ये पूरे प्रदेश में मौन व्यापी प्रतिवाद किया गया है। गांधी प्रतिमा के नीचे, महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे पूरे देश में यह प्रतिवाद किया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की इस तरह की नीति, जो सेवा करने के भाव से माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को गिरफ्तार किया गया, प्रदेश सरकार की जो है जो बिल्कुल निंदनीय है। सेवा करते हुए आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी को गिरफ्तार किया गया और अभी तक के उन्हें रिहा नहीं किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है गरीब और मजदूर विरोधी है, जिसने अजय कुमार लल्लू जी को कारावास में कैद करके रखा हुआ है। और हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, गरीब और मजदूर का बेटा अजय कुमार लल्लू जी को न्याय जरूर मिलेगा। उन्हें आज सेवा भाव से 24 लाख जो रसोई उनके माध्यम से बटी हुई है सेवा करने की, और 40 लाख रसोई जो है प्रवासी मजदूरों को दिया गया है, 10 लाख रसोई जो है रोडों पर हाईवे पर खिलाया गया है, आदरणीय अजय कुमार लल्लू के सेवा का ही देन है। उन्हें जो है रिहा नहीं किया जा रहा है, सेवा करने के विरोध में उन्हें कैद करके रखा गया है। आज प्रदेश में सभी जगह जगह महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे इसे मौन प्रतिवाद करके सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी को रिहा किया जाए। आखिर उनकी गलती क्या है? उनकी गलती सिर्फ सेवा करना है। यदि सेवा करना जुर्म है तो ये जुर्म हमारी कांग्रेस पार्टी की सभी सिपाही बार बार करेंगे कि सेवा करने के कारण जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को रिहा नहीं किया जा रहा है, कैद करके रखा गया है।